Assalamualaikum everyone, so welcome back to my channel and welcome back to another vlog. तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड खैरियत से होंगे। तो चलें फिर आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज के व्लॉग की स्टार्टिंग बाहर से हो रही है, यानी कि अभी हम लोग मौजूद हैं अलादीन के बचत बाजार यानी कि संडे मार्ट। तो आप लोग इस तरह के शॉपिंग व्लॉग को काफ़ी पसंद करते हो और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है मुझे इस तरह के संडे मार्केट पर। जब भी मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब आप लोग को इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, इस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद है, तो आप लोग के लिए एक और अच्छा सा व्लॉग लाया जाए संडे मार्केट। तो बस आप लोग ने ये करना है कि जैसे कि आप लोग हर वीडियोस पर यानी कि हर संडे मार्केट की वीडियोस पर अच्छे रिस्पॉन्स देते हो, अच्छे व्यूज़ मिलते हैं जिस तरह के, तो मैं चाहती हूँ कि बस आप लोग इसी तरह इस वीडियो पर भी अच्छा रिस्पॉन्स दो। अच्छा जी, तो जैसे ही हम लोग एंटर हुए संडे मार्केट पे, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी समर के लिहाज से टी शर्ट्स ट्राउज़र्स नज़र आ रहे थे। तो फिर मैं डायरेक्टली यहीं पर आई और यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी सारी यहाँ पर टी शर्ट्स रखी हुई हैं जो कि समर में पहनी जा सकती। और यार ये टी शर्ट्स वगैरह जो है ना बहुत ही कंफर्टेबल भी है, बस मुझे इसके डिज़ाइन अच्छे नहीं लगे। मतलब मुझे ज़्यादातर सिंपल वाली पसंद आती है। यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ बना ही हुआ था, कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ था। पर अगर इनके प्राइस की बात करी जाए, जो ये नीचे शर्ट्स रखी हुई दिख रही है ना, इनके प्राइस 400 तक के थे और साथ में जो ट्राउजर्स दिख रहे हैं इनके प्राइस 200 तक के थे और ऊपर जो शर्ट्स रखी हैं उनके भी 400-500 तक की ये शर्ट्स रखी हुई थी। हाँ, तो कुछ इस तरह के इनके प्राइस थे टी शर्ट्स एंड ट्राउजर के। तो नेक्स्ट हम लोग गए कुर्ती की शॉप पर, यहाँ पर काफ़ी सारी समर के लिहाज से कुर्तीस रखी हुई थी, बस इनकी जो क्वालिटी थी वो काफ़ी रफ थी। मतलब मुझे आम दिनों के हिसाब से भी ये सही नहीं लगी, तभी मैंने इनके प्राइस तक नहीं पूछे क्योंकि ये देखने में इतनी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो ये चेक करें, यहाँ पर काफ़ी सारे ट्राउज़र्स रखे हुए हैं समर के लिहाज से जो कि समर में वेयर करे जा सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं ये ट्राउज़र्स। मतलब समर में तो कंफर्टेबल रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला ट्राउज़र चेक करें जो कि ये ब्लैक वाला है और इसमें वाइट प्रिंट हुआ है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा जी, तो आगे चलते चलते हम लोग नेक्स्ट एक और कुर्ती के स्टॉल पर गए। वहाँ मुझे कुर्ती काफ़ी सारी दिख रही थी। रेड वाली चेक कर रहे हो, ये कितनी प्यारी है, मतलब इसका प्रिंट इतना अच्छा हुआ हुआ है। बस ये लेंथ में थोड़ी शॉर्ट थी, बट मुझे ये अच्छी लग रही थी देखने में क्योंकि इसका प्रिंट अच्छा हुआ हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी कुर्तीज़ तो नीचे की साइड पर भी रखी हुई थी और यहाँ पर सबके प्रिंटेड कुर्तीज़ थी, सिंपल कुर्तीज़ भी दिख रही थी और कुछ तो स्लीवलेस भी थी। अच्छा, इनके प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस में ये काफ़ी अफोर्डेबल थी, मतलब इनके प्राइस थे ईच कुर्ती के प्राइस 200 रुपीज़ तक के थे। बस क्वालिटी की बात करी जाए तो उतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन इतनी भी बुरी क्वालिटी नहीं थी, मतलब नॉर्मल डेज़ के हिसाब से सही है। एक और कुर्ती दिखाऊं तो यार ये वाली चेक करो, ये वाइट वाली कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट ये तो बच्चों के हिसाब से थी। मतलब यहाँ पर जो कुर्तीस रखी हुई है ना, वो बड़े और छोटे सब की मिक्स रखी हुई थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेंथ में बड़ी मिल रही हो, बच्चों के हिसाब से भी मिल रही थी और बड़ों के हिसाब से भी कुर्तीस मिल रही थी। अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर जो कुर्तीस हैं वो स्लीवलेस भी मिल रही थी, जैसे कि उनकी स्लीव्स नहीं थी। ये रेड वाली चेक कर सकते हो, इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा हुआ हुआ था, बट ये स्लीवलेस थी तो मुझे बाय करना मुनासिब नहीं लगा क्योंकि स्लीवलेस कुर्ती तो मैं पहनती ही नहीं। और इसके अलावा आप लोग ये ग्रीन वाली देख सकते हो, इसका काफ़ी कलर प्यारा है, मतलब प्रिटी सा कलर है इसका। नेक्स्ट हम लोग पहुँचे एक और कुर्ती के स्टॉल पर, यहाँ पर काफ़ी सारी कुर्तीस हैंग हुई हुई थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिक्स कुर्तीस रखी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर कॉटन है, लॉन है, शिफॉन है, सारी कुर्तीस एक साथ रखी हुई थी। और ये टू पीस भी हैं और सिंगल एक कुर्ती भी मिल रही थी। समर के लिहाज से अगर आप लोग टी शर्ट्स वगैरह ढूंढ रहे हो तो ये वाला स्टॉल है जिधर काफ़ी सारी टी शर्ट्स मिल रही थी। कॉलर शर्ट्स भी थी, मतलब कि कॉलर टी शर्ट्स भी रखी हुई थी, प्रिंटेड भी थी, लाइनिंग शर्ट भी थी और इसके अलावा सिंपल शर्ट्स भी रखी हुई थी यहाँ पर। और इसमें काफ़ी सारी मतलब मिक्स हुई हुई है, जैसे कि यहाँ पर गर्ल्स के लिहाज से भी थी, बट ज़्यादातर आप लोग को इधर ना बॉयज़ के हिसाब से टी शर्ट्स वगैरह दिखेंगे। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को खुद ही देखने में लग रहा होगा ये ज़्यादातर इधर बॉयज़ के लिहाज से टी शर्ट्स वगैरह रखी। प्राइस बता देती हूँ, प्राइस सबके डिफरेंट डिफरेंट थे, मतलब जो ऊपर रखी हैं उनके डिफरेंट प्राइस थे और ये जो हैंग हुई हुई है इनके प्राइस भी डिफरेंट थे। स्टार्टिंग प्राइस जो थे वो 200 से स्टार्ट हो रहे थे यहाँ पर प्राइस और 400-500 तक जा रहे थे इन टी शर्ट्स के प्राइस। तो फाइनली गाइस, अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट स्टॉल पर पहुँचे हैं, मतलब कि हम
लोग टी शर्ट्स और कुर्ती के स्टॉल से हट कर अब हम लोग पहुँचे स्टॉलर के स्टॉल पर। यहाँ पर काफ़ी सारे आप लोग देख सकते हो सिंपल प्रिंटेड और अलग अलग टाइप के स्टॉलर्स रखे हुए थे। ये वाला चेक करो यार, ये प्रिंट कितना प्यारा हुआ हुआ है, मतलब ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी के साथ साथ आप लोग ये ब्लू वाला चेक कर सकते हो, उसके साइड में जो ग्रे वाला है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके गाइज, तो जब मैंने इनके प्राइस मालूम किए, जो ऊपर हैंग हुए हैं उनके प्राइस 250 थे और ये जो नीचे रखे हुए हैं इनके प्राइस 200 तक के थे। ऑल्सो इनको हिजाब के तौर पे भी कैरी किया जा सकता है, क्योंकि ये वाला जो आप लोग चेक कर रहे हो ना, जिसमें ये ब्लैक सी लाइनिंग हुई हुई है, ये वाला जो है इसका फैब्रिक इतना अच्छा था, मतलब इसको हिजाब के तौर पे भी हम कैरी कर सकते हैं और ये अच्छा लग रहा था काफ़ी प्रिंट। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्टॉल पर पहुँचे जो कि है ट्राउज़र का स्टॉल। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रिंटेड से कलरफुल से ट्राउज़र्स रखे हुए थे और इनके जो लेंथ है साइज़ है वो काफ़ी बड़े में भी थे और नॉर्मल साइज़ में भी मिल रहे थे। तो बस मैं यही कहूँगी कि जब भी कुछ बाय करें, कुछ भी ख़रीदना चाहें, तो उसमें से बस यही करा करें कि पहले देख लें पूरे तरीके से, ये ना हो कि बहुत ही लूज़ हो या बहुत ही फिट हो तो वो फिर घर जाके इशू बन जाता है। तो इस वजह से पहले यहीं पर डिसाइड कर लें, अच्छे से सोच समझ के ही कुछ बाय करें। मैं खुद भी बहुत दफ़ा इस चीज़ में फंसी हूँ, लेकिन अब मुझे आइडिया हो गया कि कुछ भी अगर ख़रीदना हो ना, पहले देख लो अच्छे से। ये पर्पल वाला ट्राउज़र चेक करो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब पर्पल एस्थेटिक सा ट्राउज़र लग रहा है। इसमें प्रिंट हुए हुए हैं कैट्स जो कि वाइट एंड ब्लैक कलर की है और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बट यार ये लूज़ बहुत था। ये जो स्टॉल देख रहे हो ना, यहाँ पर काफ़ी सारी कुर्तीस रखी हुई थी और वो भी समर के लिहाज से काफ़ी बेस्ट है। मुझे इनके प्रिंट अच्छे लग रहे थे, मतलब मैंने दूर से देखा और मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने बोला इस स्टॉल को तो चेक किया जा सकता है। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी कुर्तीस पसंद आ रही थी। ये पिंक वाली चेक कर रहे हो, इसका प्रिंट कितना प्यारा है। इसके साथ अगर ब्लैक ट्राउज़र्स, ब्लैक दुपट्टा, ट्राउज़र्स कह रही हूँ, ब्लैक ट्राउज़र और एक दुपट्टा लिया जाए ब्लैक कलर का, तो ये फुल आउटफिट बन जाए। तो अगर इन कुर्तीस के प्राइस की बात करी जाए, इन सारी कुर्तीस के प्राइस सिमिलर ही थे, मतलब ये प्राइस में 5500 की मिल रही थी। ईच कुर्ती के प्राइस 500 रुपीज़ थे। और यार ये येलो वाली चेक करो, मतलब इसका कलर कितना प्यारा है, मुझे प्रिंट अच्छा लगा। इन कुर्तीस का फैब्रिक जो था वो थोड़ा लाइट था, वैसे अच्छी लग रही थी ओवरऑल, बस इसका फैब्रिक के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो अंदर आई थिंक कुछ टी शर्ट वगैरह या कुछ शर्ट पहननी पड़ेगी जिससे कवर हो। और ये नीली चेक, नीली भी अच्छी है। हाँ, क्या कहती है, ले सकते हैं क्या? ले सकती है, हाँ ले। आप लोग देख सकते हो ये कुर्तीज़ कितनी प्यारी लग रही हैं। ये ब्लैक वाली चेक करो यार, इसका प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा है। और ये आप लोग देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ इस वीडियो में ताकि आप लोग देख लो कितनी प्यारी प्यारी कुर्तीज़ यहाँ मिलती हैं। तो जब भी आप लोग विज़िट करो संडे मार्केट, तो बस हाँ ये देख लें कि कपड़ा या फैब्रिक जो है उसका और जो भी क्वालिटी वगैरह है वो सेट है कि नहीं, देन बाय कर सकते हैं आप। तो ये वाला स्टॉल चेक करो, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल रही थी, मतलब हर जो चीज़ें रखी हुई थी वो अलग अलग तरीके की थी। ये जो बोटल्स रखी हुई आप लोग को दिख रही है ना, इन बोटल्स के प्राइस जो थे वो 300 रुपीज़ के थे। ऑल्सो ये चेक करो, ये जो सोप रखने का होता है इसके प्राइस भी 300 रुपीज़ थे। ऑल्सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी कलरफुल छन्नी रखी हुई है जिससे चाय छानी जाती है, इनके प्राइस मैंने पता नहीं किए थे। बहुत सी चीज़ें मिल रही होती हैं, तो कुछ के प्राइस जो पता करने के होते हैं वो मैं पता कर लेती हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ों के प्राइस पता करूँ, क्योंकि कुछ ख़रीदना इतना ज़्यादा नहीं होता, जो बाय करना होता उसके प्राइस पता कर लेती हूँ, बाकी रैंडम चीज़ों के भी मैं प्राइस मालूम कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मिल रहे थे ये टू पीस सूट जिनके प्राइस 1500 रुपीज़। इस बार संडे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रश हुआ हुआ था, इतना क्राउड था कि बता नहीं सकती, मतलब निकलने तक की जगह नहीं थी, बहुत लोग आए हुए थे इस बार तो, कि मतलब रश बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था। और आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो में भी काफ़ी कंजेस्टेड एरिया बना हुआ है, मतलब मैं जब निकल भी रही हूँ तो मुझे मुश्किल हो रहा है और आई थिंक बहुत से लोगों को मुश्किल हो रहा होगा। और ज़ाहिर मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो उस हिसाब से ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रिकॉर्ड भी करना है और फिर एरिया भी देखना है कि यहाँ पर लोग ना आ जाएँ जिनको मैं वीडियो में ना लूँ। उसके अलावा जैसे कि सभी जानते हैं कि समर सीज़न चल रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है, मतलब धूप फुल लग रही थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से रश बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था।
अच्छा तो हम लोग नेक्स्ट स्टॉल पर गए, यहाँ पर काफ़ी सारे कैचर्स दिख रहे थे, हेयर क्लिप्स दिख रहे थे और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ट्रेंडी कैचर्स हैं जो कि प्रिंटरेस्ट तक पे मैंने देखे हैं, इस तरह के काफ़ी क्यूट क्यूट से थे। आप लोग ये वाला चेक करो, ये ग्रीन वाला, ये बटरफ्लाई वाला कितना प्यारा लग रहा है। इसके अलावा ये फ्लावर प्रिंट हुआ भाई, ये कितना प्यारा लग रहा है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहे थे, ये काफ़ी सारे क्यूट क्यूट से कैचर्स थे। ऑल्सो गाइस मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मार्केट को विज़िट करने वाले हैं संडे मार्केट को, तो इस स्टॉल को तो ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर काफ़ी सारी क्यूट क्यूट चीज़ें आप लोग को नज़र आएंगी और आप लोग बाय करने का भी सोचोगे, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे हम लड़कियाँ तो इस तरह की, ज़्यादातर गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें पहनना पसंद करती हैं, जैसे कि कैचर्स हो गए, स्क्रंचीज हो गए, हेयर क्लिप्स हो गए। तो इस तरह की ये क्यूट क्यूट सी चीज़ें आप लोग को दिखेंगी और आप लोग खुद कहोगे कि ये लेनी ही लेनी है। सो मैं प्राइस की बात करती हूँ, तो इनके प्राइस, जैसे कि ये कैचर्स आप लोग को मैंने दिखाए हैं, इनके प्राइस 100 रुपीज़ थे। और ये जो स्क्रंचीज रखे हुए ना, जिनके जिसमें 6 पीस हैं, किसी में 5 पीस हैं, तो वो जो स्क्रंचीज रखे हुए दिख रहे हैं ना, वो 200 तक के थे और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस हैं यार। मुझे तो ये सारी चीज़ें प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही लगी। इस स्टॉल में आप लोग को काफ़ी सारी रिंग्स नज़र आएंगी, ये रिंग्स देख सकते हो कितनी प्रिटी लग रही हैं, जैसे कि इसमें बटरफ्लाई प्रिंट हुआ हुआ है, फ्लावर प्रिंट हुआ हुआ है। ऑल्सो आप लोग को यहाँ पर सिंपल रिंग्स भी दिखेंगी। मुझे तो यार ये वाली बटरफ्लाई वाली रिंग्स जो है ना, ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट साइजेस का इशू था, लेकिन हाँ प्रिटी बहुत। ये कितने के? ये सब 100 है, 50। अच्छा तो जब हम लोग आगे पहुँचे, तो आगे हमें ये एक स्टॉल नज़र आया जहाँ पर काफ़ी सारे फुटवेयर रखे हुए थे, खूसे थे और सिंपल स्लीपर्स टाइप भी रखी हुई थी और इनके प्राइस ही 250 बता रहे थे। और मुझे तो यार ये ब्लैक वाली देख रही काफ़ी पसंद आई थी। इसी तरीके से हम लोग बस आगे ही चलते गए और आगे जाके हम लोग काफ़ी इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे कि और क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं अभी के टाइम पर, मतलब अभी जब हम गए हैं समर के टाइम पर, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर मुझे ये सनफ्लावर वाला बॉल नज़र आया था, बॉल कह लो या फिर आप कह सकते हो कंटेनर, जिसमें कुछ खाना वाना स्टोर करके रखा जाता है या कोई चीज़ हो तो वो स्टोर करके रखी जाती है। तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा था क्योंकि इसमें सनफ्लावर प्रिंट हुआ हुआ था। अच्छा तो प्राइस ना मैंने मालूम नहीं किए थे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके मैं प्राइस मालूम ही नहीं कर पाई थी। तो आप लोग देख सकते हो यार ये काफ़ी प्रीटी प्रीटी फ्लावर्स रखे हुए हैं, मतलब ये डेकोरेशन के हिसाब से तो बहुत ही बेस्ट है। मतलब अगर आप लोग को कोई घर वगैरह सजाना हो होम डेकोरेट के लिए ना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब DIY करके भी बहुत से लोग बना लेते हैं, लेकिन ये वैसे भी इतने अच्छे लग रहे हैं, जैसे मिरर रखा हो उस पर डेकोरेट करके इसको लगा दिया जाए। इनके पास ये फ्लावर पॉट भी रखे हुए थे। इनके प्राइस मैं अंदाजन बता देती हूँ, मैंने पूछे नहीं थे, मुझे याद भी नहीं आ रहा सही तरह, 100 या 150 तक के इनके प्राइस होंगे, 200 तक के इन फ्लावर्स के प्राइस होंगे। बाकी ये क्यूट क्यूट सी डायरीज भी इनके स्टॉल पर रखी हुई थी, ये देखो पांडा वाली कितनी प्यारी लग रही है, और ये देखो एनिमे वाली भी रखी हुई है। ये क्यूट मिनी डायरीज हैं और इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ आपके सीक्रेट्स हो या कुछ भी ऐसे करके ड्रॉ करा जा सकता है। तो ये काफ़ी प्यारी लग रही थी और मुझे तो अच्छी लगी है डायरीज। यहाँ पर इनके पास फ्रोजन वाली भी डायरी रखी हुई थी, फ्रोजन मूवी देखी है उसकी वो वाली डायरी भी थी। और गाइस इन डायरीज के प्राइस 150 रुपये थे, तो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रखे हैं डायरीज के और काफ़ी अच्छे लग रही थी। तो यार ये चेक करो, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी प्यारी प्यारी सी, जो कि यूज़फुल भी हैं हमारे लिए। मतलब ये मोबाइल स्टैंड चेक करो, ये सारी चीज़ें हैंडमेड DIY करी हुई थी। और ये मिरर वाली चीज़ चेक करो, ये आई थिंक ड्रॉज है, और इस तरीके से ये कुछ इसमें चीज़ें रखी जा सकती हैं, साथ में मिरर भी देखा जा सकता है। और इसके अलावा ये वाली चीज़ चेक करो, ये भी कुछ बनाया हुआ है और इसमें ना क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी चीज़ें तो हम रखी जा सकती हैं। मतलब यार ये कितना क्रिएटिव है। और इन सब के प्राइस ना डिफरेंट डिफरेंट थे, जैसे कि वो मोबाइल स्टैंड था उसके प्राइस डिफरेंट थे, और बाकी ये मिरर वाला जो था उसके प्राइस डिफरेंट थे। तो सब के ना अलग अलग प्राइस थे। यार गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, डिहाइड्रेशन होने लग गई थी मुझे। तो ख़ास तौर पर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं आगे कुछ रिकॉर्ड करूँ, आगे कोई शॉपिंग करूँ, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो गई थी। खैर यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश
फ्रेश होने के लिए ना ये एक ड्रिंक पी लिया था हमने, ये गन्ने का जूस पी लिया था हमने ताकि थोड़ा सा फ्रेश पी लो और आगे शॉपिंग करने की थोड़ी बहुत हिम्मत हो। खैर इतनी ज़्यादा धूप थी ना, मैं सोची थी कि पानी की बोतल तो साथ लेकर आनी ही चाहिए थी, और मैं हर बार ये सोचती हूँ लेकिन ला ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ या क्या होता, मैं फिर लाती ही नहीं हूँ। तो मैं यही कहूँगी आप लोग से, जब भी शॉपिंग करने आए ख़ासतौर पर इस गर्मी के मौसम में, तो फिर तो अपने साथ पानी की बोतल लाजमी लाएँ क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग पहुँचे शूज़ के स्टॉल में, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉल है, मतलब शूज़ देखने में, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ रखे हुए होते हैं ना, तो मैं देख ही लेती हूँ कि यार कौन कौन से अच्छे आए हुए हैं, इस टाइम पर क्या क्या शूज़ की वैराइटीज़ हैं, तो ये सब देख लेते हैं ताकि अगर बाय करना हो तो बाय भी कर लें। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर शूज़ के प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल थे, जो कि अभी मैंने देखे हैं, शूज़ के प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल थे। इनके प्राइस ही बता रहे थे 1500, 1700, 1800, मुझे काफ़ी सही प्राइस लगे थे शूज़ के, और ये इतने अच्छे अच्छे शूज़ भी यहाँ पर मिल रहे थे, कुछ रफ़ क्वालिटी के भी थे लेकिन हाँ कुछ अच्छे भी मिल रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे क्रॉकरी के स्टॉल पर, यहाँ पर काफ़ी प्रिंटेड सी प्लेट्स रखी हुई थी, और वो जो कप रखने का जो स्टैंड होता है वो रखा हुआ था, ग्लास थे, और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि मैं आप लोग को वीडियो में दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये सारे किचन के सेट्स थे और इनके प्राइस डिफरेंट डिफरेंट थे, मैंने इधर ज़्यादा चीज़ों के प्राइस मालूम नहीं किए। ये कप देखा है जो कार्टून वाला कप है और काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो इसके प्राइस 300 थे, थोड़े मुझे प्राइस ज़्यादा लगे 300, क्योंकि कप के मैं ज़्यादातर जो देखती हूँ वो 250 या 200 तक के ही कप मिल रहे थे। हम लोग पहुँचे हील्स के स्टॉल पर, यहाँ पर बहुत सारी हील्स रखी हुई, ऑल्सो इन हील्स के प्राइस भी डिफरेंट डिफरेंट थे, 500, 600, 800 इस तरीके के इन हील्स के प्राइस थे। वैसे मैं हील्स पर्सन नहीं हूँ, मतलब मुझे ज़्यादातर हील्स से ज़्यादा ना शूज़ पसंद है, क्योंकि शूज़ में कंफर्टेबल भी रहते हैं और मुझे वैसे लुक वाइज में भी शूज़ ज़्यादा पसंद है। मैं हील्स पहनती ही नहीं इतनी ज़्यादा, और वैसे भी नहीं पहनती है ज़्यादा, क्या मैं थोड़ी बहुत भी नहीं पहनती। जो हील्स पर्सन है वो तो संडे मार्केट जब आए तो हील्स के स्टॉल को विज़िट कर सकता है, जिसको हील्स पहनना ज़्यादा पसंद है तो वो बाय कर सकता है, क्योंकि उसके लिए तो बेस्ट है। लेकिन हाँ जो नहीं पहनता तो वो तो फिर शूज़ के स्टॉल में ही जाना पसंद करे। ये कितने की है? 300 रुपये। सो आज के व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर। आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया, इस तरह के व्लॉग्स और देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।